स्वागत है। मैं रंजना अग्रवाल आज आपको पालक पनीर बनाना बताती हूँ। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप पहले देख लें। 200 ग्राम पनीर है, ये दो मीडियम साइज के प्याज को मैंने पीस लिया है, 2 टेबलस्पून घी है, 4 टेबलस्पून ऑयल है। ये देखिए, ये देखिए दालचीनी ली है मैंने, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा आदि का, 4 करी लहसुन की, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून नमक, और आप अपने टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं, 1 तेज़पत्ता है और 1/2 kg पालक है जिसकी मैंने इस तरह जड़ डंडी निकाल के इसको अच्छे से धो लिया है। मैंने एक पैन में पानी गर्म कर लिया है। ये पालक जो है इसे डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह इसे इसमें डाल के बस 5 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है। बॉईल करके इसे गर्म पानी से निकाल देना है। तरह करके इसे ढक दूंगी, गैस कम कर देनी है। ये अपने ही धीरे धीरे बॉईल होगा, फिर एक बार इसे खोल के पलट के फिर इसे पानी से निकाल देना है और ठंडा कर लेना है पालक को। हमारा पालक बॉईल हो गया है, हमने इसे ठंडा होने छोड़ दिया था, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे इस तरह इसका थोड़ा पानी निकाल के इसे पॉट में डालेंगे। ये देखिए हमने पॉट में पालक डाला है। अब इसमें जो ये हमने खड़े गरम मसाले रखे थे ये इसमें डाल देंगे। ये हरी मिर्च, लहसुन आदि, ये जो हमने जीरा रखा है उसमें से बस थोड़ा सा जीरा हमें रखना है, बाकी का जीरा इसी में पीसने में दे देंगे। और अब हम इसे मिक्सी कर पीस लेंगे। दिया है, अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ये हमने पनीर के छोटे छोटे पीस काट लिए हैं इस तरह, देखिए। अब इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हम पनीर इसमें इस तरह डाल देंगे। ये देखिए अब इस तरह हम इस पनीर को पलट देंगे। ज्यादा नहीं सेकना है हमें, बस हल्का सा। ये देखिए, ये हमने जो पालक बॉयल किया था उसका पानी हमने फेंका नहीं है, मैंने इस पानी को रखा हुआ है। अब ये जो हमारी पनीर, देखिए ये पनीर सीख गई है, बस इसे हल्का सा ही फ्राई करना था। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसे निकाल के जो है मैं ये जो पालक का पानी है उसमें डाल दूंगी। इससे क्या होता है कि पनीर बिल्कुल सॉफ्ट रहती है। ये देखिए इस तरह मैंने सारी पनीर निकाल के इस पानी में डाल दी है। ये जो है इसमें डाल देने का फायदा ये है कि पनीर हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अब ये ऑयल जो गर्म है इसमें मैं ये जीरा जो था वो डाल दूंगी। ये देखिए जीरा जो है चटक रहा है, इसमें तेज पत्ता डाल दूंगी। और ये जो मैंने प्याज पीसा हुआ है इसे डाल दूंगी। अब
ये देखिए इस तरह हमारा प्याज सिक रहा है। देखिए ये प्याज अब इस तरह ऑयल छोड़ने लगे हैं, ये पूरी तरह भी ऑयल धीरे धीरे छोड़ देगा। ये देखिए ये अब हमारा प्याज जो है बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ये पालक मैंने देखिए पीस लिया है इस तरह, अब इस पालक को मैं इसमें डाल दूंगी। इस तरह देखिए अच्छे से इसे मिक्स करने हैं। मैंने पालक का पानी फेंका नहीं था, इसे रखा हुआ था, जो बॉईल किया हुआ पानी था वो भी मैं इसी में डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह अब मैं इसमें ये जो पनीर है हमारी इसे भी डाल दूंगी। ये जो पालक वाला बॉईल किया पानी है नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसमें हरी मिर्च एक और दे सकते हैं। ये पालक पनीर हमारी तैयार हो गई है। अब इसे गैस कम करके जो मैंने यहाँ घी रखा हुआ है ये घी जो है इसमें डाल दूंगी। ये अच्छे से इसमें मिला दूंगी। इसे यूं ही 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी गैस बंद करके। ये हमारा ये पालक पनीर तैयार हो गया है। इस पे मैंने थोड़ी सी क्रीम डाल दी है डेकोरेशन के लिए, अच्छी लगती है उससे। और आप इसे गरम गरम सर्व करिए, खाइए, अपने घर में बच्चों को खिलाइए। पालक पनीर बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, और ये पराठा के साथ, चावल के साथ बहुत तरह से खाया जाता है। और पालक खाने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।